नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना वायरस को लेकर बिहार में हाई अलर्ट है। हर जरूरी एहतियात बरता जा रहा है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि लगातार आप जो जरूरी एहतियात है वो बरते। बिहार में जो राजनीतिक सक्रियता है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। राजनीतिक कार्यक्रम है, सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, रैलियां रद्द हैं, यात्राएं रद्द हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में कोरोना को लेकर लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, तब बिहार में आरजेडी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील की है कि लोगों को जागरूक करें कोरोना को लेकर। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सभी राजद समर्थकों कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से सावधानी, संयम और स्वच्छता के प्रति सचेत रहकर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को जागरूक करें। वहीं आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार वासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण के दौरान संयम बनाए रखें, लोगों को जागरूक करें, अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। सरकार से अपील है कि कृपया गंभीरता दिखाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू करें, राज्य से सटी सीमा पर भी विशेष ध्यान दे। और एक नारा भी दिया है आरजेडी ने कि बीमारी हारेगी बिहारी नहीं। तो कोरोना वायरस का खतरा बिहार पर भी मंडरा रहा है और चीन में महामारी बनकर हजारों लोगों की जान ली है इस वायरस ने। इटली में महामारी बन चुका है और ये वैश्विक महामारी है, इसको वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। चीन के बाद अगर जो देश सबसे ज्यादा इस कोरोना से प्रभावित है तो वो है इटली। इटली में भी कई लोगों की जान चली गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर देश प्रभावित है। भारत में अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। तो तमाम तरह के एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। पीएम मोदी ने अपील की है, दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा भी अपील की जा रही है। आरजेडी की है, नारा दिया है कि बीमारी हारेगी बिहारी नहीं, मिलकर कोरोना को हराएंगे। इस खबर में इतना ही। और आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।